न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है, जल्द ही बिना सक्रिय मोबाइल कनेक्शन के काम करेगा व्हाट्सएप वेब ऐप। व्हाट्सएप वेब इंटरफेस के लिए एक नया बीटा वर्जन टेस्ट कर रहा है, जिसके बाद यूजर्स को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए QR कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर्स द्वारा व्हाट्सएप के इस नए फीचर की मांग काफी समय से की जा रही थी। वर्तमान में व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर मोबाइल से एक QR कोड स्कैन करना पड़ता है। साथ ही इस्तेमाल के दौरान मोबाइल का इंटरनेट से कनेक्ट रहना आवश्यक है। स्काइप, सिग्नल, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर कुछ ऐसे लोकप्रिय मल्टी डिवाइस मैसेजिंग ऐप हैं, जिन्हें कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नए फीचर के साथ अब व्हाट्सएप भी एक मल्टी डिवाइस मैसेजिंग ऐप बन जाएगा, जिसे एक साथ अधिकतम 4 डिवाइसों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस फीचर का लाभ विंडोज के साथ साथ मैक यूजर्स भी ले पाएंगे। व्हाट्सएप ऐप के वर्तमान वर्जन में वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप इस पर काफी समय से काम कर रहा है और इस नए वर्जन में वॉइस और वीडियो कॉलिंग का फीचर भी शामिल होगा। एंड टू एंड एनक्रिप्शन फीचर के कारण व्हाट्सएप को मल्टी डिवाइस सपोर्ट प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। मल्टी डिवाइस फीचर के साथ भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन फीचर बना रहेगा, जिससे यूजर्स को गोपनीयता से समझौता नहीं करना पड़ेगा।